कार के 700 साल से पूजे जाने वाले एक मंदिर का वजूद खतरे में आ चुका है। पितरों की पूजा के लिए मशहूर उस मंदिर को दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तार के चलते हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान जो हुआ वो वाकई हैरान कर देने के लिए काफी है। आप भी सुनिए मंदिर के चमत्कार के दावे की ये कहानी स्पॉट के जरिए। हजारों लोगों की आस्था और चमत्कार के दावों की हैरान कर देने वाली कहानी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब बना नांगल देव मंदिर। यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन लाखों लोगों की आस्था का यह केंद्र प्रशासन के निशाने पर है। इसे तोड़कर दिल्ली एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है, जिसके चलते मंदिर को हटाकर यहाँ रनवे बनाने की तैयारी की जा रही है। गांव के लोगों का दावा है कि अगर ऐसा किया गया तो बाबा की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अभी तक ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी हैं जिससे आप लोगों की ये आस्था और मजबूत हो गई है कि बाबा के मंदिर को यहाँ से हिला नहीं सकते? एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के बोला राम थे, जो अफसर थे, गए जो न्यूजीलैंड के अफसर थे, उन्होंने हमारे मंदिर को 2007 में तोड़ने की कोशिश की और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, तो उनको पैरालाइज हो गया। वो आज के टाइम भी बाबा से माफी मांगते हैं और इसी हालत में हो चुके हैं कि उनको कोई अब सुविधा नहीं रहा। लोगों का कहना है कि जिसने भी मंदिर को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो गया। लेकिन एयरपोर्ट विस्तार के काम में लगी जीएमआर ने अनहोनियों की तमाम कहानियों के बावजूद तोड़फोड़ शुरू कर दी। लेकिन उसी दौरान यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सारे मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े हुए। 2 महीने पहले इन मजदूरों ने एयरपोर्ट के पास काम करना शुरू किया, धीरे धीरे ये मंदिर की तरफ बढ़े। अचानक इनके साथ क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। क्या हुआ था? याद आ गया किसे? आपका राम रतन हो। राम रतन आपके साथी थे जो यहाँ काम कर रहे थे? आँख मिच गई और फिर उठे, फिर पटक लग गई, फिर उठा लिया, फिर पटक लग गई, फिर लेटा दिए जा गए, फिर घर पड़े। अच्छा, 2 बार उन्हें वो गिरे हो उठ उठ के, अब ये कह रहे हो या ऊपर उठे? ऊपर नहीं उठे, या तैरे चल रहे, वो मन करा तैरे जाल आ गए गिर पड़े, ऐसे हुआ। गांव के लोगों का कहना है कि वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था की जगह नहीं, उन्हें इस जगह का ना तो कोई मुआवजा चाहिए और ना ही यहाँ आने वाला चढ़ावा। बस बाबा के मंदिर को यहाँ से ना हटाया जाए। करीब 700 साल पुराने नागर देवता के मंदिर पर भी अब संकट के बादल मंडरा। ठीक, आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं वो एयरपोर्ट की जगह है और ये पूरा जो आप भवन देख रहे हैं वो बना हुआ है, पूरा एयरपोर्ट का इलाका है। और ठीक यहाँ पर ये मंदिर, गांव वालों को सूचना दी गई है कि यहाँ पर T4 बनाना है, टर्मिनल 4 बनाना है, इसके लिए इस जगह को लिया जा रहा है। टर्मिनल 4 के लिए जगह लिया जा रहा है। मुझे वहाँ तक दिख रहा है बस मंदिर का ही इलाका बचा है, बाकी सब जगह तो इन्होंने प्लान कर दिया। हाँ, वो हमारी उनसे 2-3 दफे मीटिंग भी हो चुकी है, GMR कंपनी से भी और पुलिस प्रशासन से भी। वो कह रहे हैं कि T4 बनाने के लिए हमें ये जगह चाहिए, इसलिए वो मंदिर को डेमोलिश करना चाहती हैं। तो हमारी सिर्फ प्रशासन से, गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से यही मांग है कि हमारे मंदिर को ऐसे सुरक्षित रखा जाए, चाहे वो इसका चढ़ावा या इस जमीन को अपने अंदर वो टेक ओवर कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। दरअसल ये मंदिर मजहबी एकता की निशानी है। 700 साल पुरानी मान्यता के अनुसार बाबा समय राम और बाबा लाल बेग के बीच पक्की दोस्ती थी, लेकिन दोनों समुदायों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए दोनों ने एक साथ इसी स्थान पर समाधि ले ली। इसी दिन से दोनों के प्रति लोगों की श्रद्धा, विश्वास और लगाव बढ़ता चला गया। यहाँ हर रोज कोई हरियाणा से आता है तो कोई राजस्थान से और कोई दिल्ली के दूसरे कोनों से, और दावा ये है कि अपने पितरों की पूजा के लिए लोग यहाँ पाकिस्तान तक से आते हैं।
यहाँ कितने साल से आ रही हो? मुझे वही 50 साल हो गया। और उससे पहले? पहले हमारे ससुर आते थे, फिर हमारे दादाश्री आते थे यहाँ। क्या, आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से आया हूँ, अलवर जिले से, निमराना तहसील से। मेरी कम से कम 8-9 पीढ़ियाँ होंगी यहाँ आते आते। इससे पहले भी बाबा लाल बेग के परिवार ने यहाँ से पीर को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन बाबा के चमत्कार के आगे उनको भी झुकना पड़ा था। ऐसे में एयरपोर्ट विस्तार का काम देख रहे जीएमआर के सामने सिर्फ गांव वाले और श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि मंदिर के चमत्कार से जुड़ी कहानी भी किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। और चौंकाने वाली इस रिपोर्ट के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ। Thank you.